राजस्थान से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पहुंची ईडी की टीम। पेपर लीक मामले में डोटासरा की आवाज पर चल रहा ईडी की छापेमारी। सीकर और जयपुर स्थित आवास पर पहुंची ईडी की टीम। ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी पहुंची ईडी की टीम। ईडी टीम को पूर्व में हुई छापेमारी में मिले कुछ ऐसे सबूत। सबूत के आधार पर डोटासरा की आवास पर हो रही छापेमारी। जयपुर के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर टीम कर रही कार्रवाई। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह रेड राजस्थान में हुए पेपर लीक को लेकर हुई है। ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी निवास पर भी पहुंची है। ईडी की टीम डोटासरा सहित उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंची है। पेपर लीक को लेकर आज ईडी ने पहली बार डोटासरा के घर पर छापेमारी की है। दिल्ली और जयपुर की ईडी की टीम के साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद हैं। डोटासरा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी के छापे। महुआ से निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीमें दौसा जयपुर सहित कई जगहों पर हुड्डा के ठिकानों पर पहुंची है। दौसा जिला में हुड्डा के पेट्रोल पंप पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हुड्डा के दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी ईडी दस्तावेज खंगाल रही है। डोटासरा के नजदीकियों पर पहले पड़े थे छापे। पेपर लीक मामले में डोटासरा के नजदीकियों पर पहले ईडी के छापे पड़े थे। सीकर और कई जगह कलाम कोचिंग सेंटर पर अगस्त सितंबर में ईडी के छापे पड़े थे। डोटासरा ने उस समय नजदीकियों को बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए थे। आरपीएससी मेंबर सहित कई आरोपियों पर कार्रवाई कर चुकी ईडी। पेपर लीक मामले में ईडी राजस्थान लोक सेवा आयोग मेंबर बाबूलाल कटारा सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। पेपर लीक से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था। इसके बाद ईडी ने केस हाथ में लेकर कार्रवाई की। किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी ने लगाए थे आरोप। पेपर लीक मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री विधायक के शामिल होने के आरोप लगाए थे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी आरोप लगाए थे। डोटासरा नवंबर 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे, इस वजह से विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा है। डोटासरा ने कहा था, हम तो ईडी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर लेगी ईडी। नेताओं के खिलाफ ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा शुरू से ही केंद्र और बीजेपी पर हमलावार रहे हैं। डोटासरा ने कई बार बयान दिए थे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कब ईडी और इनकम टैक्स आती है। ईडी और इनकम टैक्स से वो डरता है जिसने कुछ गलत किया हो। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ईडी आती है, क्या कर लेगी ईडी।